ब्रेकिंग न्यूज आपको रोहतक से बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है रोहतक से। पंजाब में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। आप कांग्रेस और अकाली का दबदबा बताया है, पंजाब में बीजेपी का वजूद बताया नाम मात्र। तो रोहतक से ये बड़ी खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है और पंजाब चुनाव को लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। पंजाब में तो बीजेपी देखो नाम मात्र है कोई, पंजाब में अगर आप ये कहो, वैसे तो वो भी कहेंगे अपराध बढ़ाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहेंगे, लेकिन वहाँ कांग्रेस और आप पार्टी और अकाली दल ने भी उभार आया है तो ये है इस तरह। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन हालात में 20 तारीख को इलेक्शन है 14 पंजाब का, 20 तो उसके हालात कुछ बदले हैं और 5-7 दिन में बदलेंगे, तो आप मेरे को फिर दिल्ली से बुला लेना, आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा पंजाब में। तो पंजाब चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ कार्यक्रम आज रोहतक में था जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे और इस दौरान उनकी तरफ से पंजाब चुनाव को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी गई, साथ ही साथ पंजाब में बीजेपी की जीत को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, क्या कुछ और उनकी ओर से कहा गया? बिल्कुल, देखिए आज बसंत पंचमी के दिन जो है टोटराम जयंती के समारोह पर पूर्व इस्पात मंत्री जो केंद्रीय पूर्व इस्पात मंत्री है वीरेंद्र सिंह वो पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर जो है जो चुनाव को लेकर जो 5 राज्यों के चुनाव है उन पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। खासकर जो पंजाब चुनाव की अगर बात करें तो पंजाब चुनाव पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब में जो है बीजेपी का जो भाजपा पार्टी है उसका कोई जो इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर अकाली है और भाजपा है, के साथ साथ जो है आप पार्टी है और आप पार्टी के साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी का जो है वहां पर अच्छा दबदबाव है। हालांकि आप इतना जो भाजपा पार्टी का इतना दबदबाव नहीं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जो देखा जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव जो है अच्छा होगा, उसको देखकर ये प्रतिक्रिया उन्होंने साफ तौर पर दी है। लेकिन संजय, जब इस तरह की प्रतिक्रिया बड़े नेता के से आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कम होता है, बात चाहे पंजाब की करें या फिर किसी भी राज्य की। बिल्कुल, देखिए जब कोई चुनाव होता है और इतने बड़े नेता का बयान जो सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो है इसका महत्व जरूर देखा जाता है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके अलावा और भी 3 जो है राज्यों के अलग अलग जो है चुनाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव को लेकर जो राजनीति जो गरमाई हुई है उसमें साफ तौर पर ये बयान सामने आया है। हालांकि जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आप पार्टी का वहां पर दबदबा और उसके बाद अकाली भी जो उभर कर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बयान दिया। साफ तौर पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो किसान आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका इफेक्ट जो है साफ देखने को मिला है मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये ऐसा जो जो बयान उनका सामने आया है उस समय पर भाजपा के नेता जो है चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को कमजोर करने की बात की जो है वो सामने आ रही है। कई बयान के जो है कई मायने जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी किसी पद पर नहीं है, वो दबाव बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये भी सामने देखा जा रहा है कि चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह के बड़े नेता का बयान आना कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक विशेष बात होती है, क्योंकि पार्टी को कमजोर करना और इस तरह का दबाव बनाना कहीं ना कहीं। संजय, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है उससे जरूर काफी ज्यादा असर देखा जाएगा और प्रतिक्रिया जरूर इस पूरे बयान को लेकर सामने आएंगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।